गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज. टुडे दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेकंड, सॉरी क्लास थर्ड, एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर. सो दिस इज अ टाइम टू एंजॉय द पोएम दैट वाज रोमुलस एंड रेमस. आई वाज टीचिंग यू इन यू व्हाट्सएप क्लास. व्हाट्सएप क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था इसको. And I want to tell again that this poem is based on Roman mythology. Mythology बच्चों ने बताया था आपके जो पौराणिक कथा होती है, जो आपके धर्म है, जो आपके धर्म ग्रंथ होते हैं उन पर जो कथाएँ होती हैं उनको हम mythology कहते हैं, पौराणिक कथाएँ. तो उसे मैंने hint दिया था, this poem is based on Roman mythology. और Roman mythology में क्या था, गॉड. ये गॉड देवता किसके, मार्स, जिनके नेम पे एक प्लैनेट है. और वो पोएम जिसके वो एक तरह से कहा जाए कि जो उनके दो बच्चे थे, रोमुलस एंड रेमस, दे आर द मेन कैरेक्टर, दे आर इन लीड कैरेक्टर इन दिस पोएम. ओके, गॉड मार्स के बच्चे हैं वो, और उनके नाम पे एक प्लैनेट का नेम भी पड़ा है, और बहुत सारी चॉकलेट बार्स का नेम भी मार्स है. ओके, चलिए ओपन पेज नंबर 14 एंड पिक आउट योर पेंसिल. और जो जो हार्ड वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये मैंने बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, उनको आप अंडरलाइन करते चलिए. आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग अलॉन्ग विद द रेसिटेशन और रीडिंग. चलिए देखते हैं. सबसे पहले उस दिन मैंने आपसे ऑडियो क्लिप मांगी थी, बच्चे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं. So pay more attention about your pronunciation because most of the students are reciting very wrong. So keep in mind. Read this poem that tells us how Rome was founded. Rome, you know students, Rome is the capital of country Italy. और Rome की स्थापना कैसे हुई थी मैंने उसे बताया था. कोई भी नगर बसाया जाता है, कोई भी सभ्यता होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है. तो रोम के पीछे भी क्या हिस्ट्री है, हाउ रोम वॉज फाउंडेड. ओके, लेट अस सी. रोमुलस एंड रेमस वर ट्विंस. रोमुलस एंड रेमस ट्विंस, बच्चों ट्विंस जुड़वा भाई बहन जो होते हैं, दे आर सेम इन पर्सनैलिटी, दे आर सेम इन अपीयरेंस, एंड समटाइम्स दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर ऑल्सो. स्वभाव में बच्चे काफ़ी सेम होते हैं, समटाइम्स दे हैव समथिंग डिफरेंस, लेकिन जुड़वा बच्चे हैं. तो ट्विंस आर, ट्विंस मीन्स जो जुड़वा एक साथ जो पैदा होते हैं वो ट्विंस. देखिए हार्ड वर्ड लिखा ट्विंस, ट्विंस यू कैन अंडरलाइन. दोनों बच्चे ट्विंस थे, कौन, रोमुलस एंड रेमस. ओके, देयर फादर वॉज ए गॉड कॉल्ड मार्स. उनके पिता कौन थे, गॉड मार्स, देवता मार्स. वहाँ पे आपके रोमन देवता जो है युद्ध के देवता है, ये जो लड़ाई उड़ाई होती है युद्ध के देवता वहाँ पे रोमन है, रोमन गॉड मार्स है. हु हैड ए प्लैनेट नेम फॉर हिम, और उनके नाम से एक प्लैनेट का नेम पड़ा है, ग्रह. एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट बार, और उसके बाद बहुत सारी चॉकलेट बार्स, चॉकलेट के पैकेट्स होते हैं, बार्स होती हैं, उनके नेम भी किसके नाम में पड़े, गॉड मार्स के नाम पे. सेकंड स्टेंजा, दे हैड अ विकेड अंकल हु थ्रू देम इन द रिवर टू डाई. उस दिन वैसे मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन चलिए आज हम फिर से बताते हैं. उनके विकेड, देखिए एक हार्ड वर्ड मैंने विकेड नहीं लिखा है यहाँ पे, विकेड मीन्स वेरी बैड, दुष्ट, जो दूसरों से चिढ़ता हो, जलता हो, दैट इज कॉल्ड विकेट. दे हैड विकेट अंकल हु थ्रू देम इन टू द रिवर टू डाई. उनके एक बहुत दुष्ट चाचा थे, किसके, उन दोनों जुड़वे भाइयों के, रोमुलस और रेमस के एक चाचा थे, जिन्होंने उन बच्चों को कहाँ फेंक दिया था, नदी में. दे थ्रू देम इन द रिवर टू डाई, डाई मीन्स मरने के लिए. बट दे वर रेस्क्यूड बाई अ वुल्फ. रेस्क्यूड, ये देखिए दिस इज रेस्क्यूड, रेस्क्यूड मीन्स सेव्ड, बचाया, किसने बचाया, वुल्फ ने.
एक भेड़िया, वो बेचारे बहते बहते चले आ रहे थे, तो एक भेड़िया उधर से गुजर रहा था, उसने बताया, और उसे मैंने बताया था सम वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली टू ह्यूमन बींग्स। मोगली की कहानी आपने सुना ही है, जंगल में पड़ा पला बड़ा है वो, उसी तरह वो भेड़िया भी बहुत फ्रेंडली था। दैट वुल्फ वॉज वेरी फ्रेंडली, ही पिक देम आउट बोथ ऑफ द ट्विन्स एंड ही टुक केयर ऑफ देम। बच्चों ने उनको बचा लिया। हु हैपन टू पास बाई, पास बाई मीन्स गुजर रहा था, अचानक आप कहीं जा रहे होते, आपकी नज़र कहीं पड़ जाती, तो उसकी नज़र भी उस नदी की तरफ पड़ी और दो बच्चे वहाँ पे डूब रहे थे, बह रहे थे, और उसने उनको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। थर्ड स्टैंजा, द वुल्फ पुल्ड देम फ्रॉम द रिवर, उसने जब देखा उनको, पुल्ड देम खींचा अपनी तरफ, निकाल लिया, एंड टुक देम बैक होम टू हर डेन। व्हाट इज द होम ऑफ द वुल्फ, इज कॉल्ड डेन, गुफा होती है, गुफा में उनके घर होते हैं। तो अपनी गुफा में ले गया उन बच्चों को। शी ड्राइड देम ऑफ एंड फेड देम। अब देखिए वुल्फ में भी ही और शी होते हैं दोनों, भेड़िया में भी एक मेल होता है एक फीमेल, ये फीमेल थी। शी ड्राइड देम ऑफ एंड फेड देम मिल्क, बच्चे बहते हुए आ रहे थे, दे वेर वेरी हंग्री, बहुत भूखे थे, तो उसने उनको ड्राइड, ड्राइड मीन्स पोछा, उनको, बच्चे गीले थे उनको सुखाया, उनको पोछा, और एंड फेड देम मिल्क, और उनको क्या किया, दूध पिलाया। बच्चे छोटे बच्चे, दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द मिल्क, छोटे बच्चे सिर्फ मिल्क भी पीते हैं और कुछ खा नहीं पाते हैं। अंटिल दे वर हेल्दी अगेन, जब तक कि वो हृष्ट पुष्ट नहीं हो गए, तगड़े नहीं हो गए, ताकतवर नहीं हो गए, तब तक मीन्स बड़े हो गए, जब तक बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, तब तक उस वुल्फ ने उन लोगों की टेक केयर किया, उनको पालन पोषण किया, उनको बच्चों को देखा भाला। बिफोर लॉन्ग अ शेफर्ड फाउंड देम, बिफोर लॉन्ग बहुत दिन नहीं हुए थे तब तक उन बच्चों को किसने पा लिया, शेफर्ड। शेफर्ड इज अ पर्सन हु कैरीज या हु हैज अ लॉट्स ऑफ कैटल, ही यूज टू ग्रेज द कैटल, वो जानवरों को चराने का काम करता है, ही वर्क्स फॉर द कैटल, जानवरों को पालता है, रहता है, हिंदी में उसको गडरिया कहते हैं, शेफर्ड। शेफर्ड फाउंड देम एंड टुक देम बैक होम टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के पास उन दोनों बच्चों को ले गया। द कपल रेज देम एज देयर ओन, और जो कपल मीन्स जोड़ा, कपल मीन्स होता है जोड़ा, दोनों शेफर्ड और उसकी वाइफ दोनों को मिला के कपल हो गया। तो दोनों ने क्या किया, उनको अपने बिल्कुल ओन चिल्ड्रेन, अपने खुद के बच्चों की तरह उनको पाला पोसा, जैसे लोग अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, उनको प्यार करते हैं, पालते पोसते हैं, वैसे ही उस शेफर्ड कपल ने उन रोमुलस और रेमस को पाल पोस के बड़ा किया। एंड हैड ए हैप्पी लाइफ, और सारे लोग खुशी खुशी रह रहे थे, अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा, द ट्विन्स ग्रू इनटू बिग स्ट्रॉन्ग मैन, और जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, फिर वो चाइल्ड बनते हैं, चाइल्ड के बाद वो टीनेजर बनते हैं किशोरावस्था में, और उसके बाद दे ग्रो अप एज यंग मैन, वो कैसे हो गए, छोटे बच्चे बड़े हो गए, जब शेफर्ड दंपति ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, फिर वो लोग बड़े हो गए, और कैसे बन गए, स्ट्रॉन्ग मैन, बिल्कुल ताकतवर आदमी बन गए, क्योंकि गॉड मार्स के बच्चे थे वो, बोथ लीडर्स विद लॉट्स ऑफ अलाइज। और जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके सपोर्टर भी बहुत होते हैं, तो ये जो अलाइज है, देखिए यहाँ पे अलाइज, अलाइज मीन्स मीनिंग देखिए, देखते चलिए, पीपल हु आर रेडी टू हेल्प वन अदर, वो लोग जो हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, तो मतलब उनके सपोर्टर बहुत सारे थे, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे। दे प्लान टू बिल्ड अ सिटी वेयर द फ्रेंडली वुल्फ फर्स्ट हर्ड देयर क्राई, वो चाहते थे कि हम वहाँ पे एक शहर बनाएं, कहाँ पे, जहाँ पे वो बहते बहते चले आ रहे थे, जहाँ पे उस वुल्फ ने, उस भेड़िये ने उनकी जान बचाई थी, उनकी क्राइज, क्राइज मीन्स चीख चिल्लाहट, राइट, छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, वो बोल तो पाते नहीं हैं, चिल्लाएंगे भाई, उनको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, जब उनको नदी में उनके चाचा ने फेंक दिया, तो बेचारे रोते हुए चिल्लाते हुए डूब रहे थे या बहते चले आ रहे थे, तो
उस भेड़िया ने सबसे पहले उनकी आवाज़ सुनी थी और उनकी जान बचाई थी। तो वो दोनों भाई एक शहर बसाना चाह रहे थे। दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ सिटी वेयर द वुल्फ, फ्रेंडली वुल्फ, उस मित्र जो फ्रेंडली था उसने उनकी पहली बार उनकी चीखें सुनी थी, वहीं पे वो एक नगर बसाना चाह रहे थे। नेक्स्ट, बट द ट्विंस कुड नॉट क्वाइट एग्री ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन दो भाई थे, उसमें से कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो एक कह रहा था कि हम यहीं पे नगर बसाएंगे, दूसरा कह रहा था कहीं और बसाएंगे। दोनों अक्सर घर में छोटी छोटी बातों पे लेके विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम। लोकेशन मीन्स जगह को लेके दोनों लोगों में विवाद चल रहा था। कम टू द नेक्स्ट पेज, दे हैड अ नेस्टी फॉलिंग आउट। नेस्टी फॉलिंग आउट मीन्स बात को होते होते वो लोग बहुत तेज से उनकी बातें, जैसे नहीं छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है और बाद में मारपीट तक होने लगती है, वही चीज़ उनके साथ भी हुआ। एंड एंग्री अल्टरकेशन, अल्टरकेशन आर्ग्यूमेंट, खूब तेज तेज चीज़ नहीं यहीं बनेगा, नहीं वो कह रहे वहाँ बनेगा। दोनों जब एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, चिल्लाते चीखते हैं, वो होती है अल्टरकेशन, विवाद, बहुत सीरियस बात हो जाती है। एंग्री, गुस्से में आ जाते हैं, एक क्रोध में जो विवाद होता है दैट इज एंग्री अल्टरकेशन। एंड रोमुलस वॉज द विक्टर। जब दोनों लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों मारपीट हुआ, तो कौन जीता? रोमुलस, जो बड़ा वाला था वो जीता। वॉज द विक्टर, विक्टर मीन्स विजयी होना, सफल होना। एंड वेरी सून बिकेम द किंग ऑफ द ग्रेट सिटी दैट ही नेम आफ्टर हिज ओन नेम। और बहुत ही जल्दी क्या हुआ, जब वो लड़ाई में जीत गया अपने भाई से, तो जल्दी वो एक ऐसे शहर का राजा बना, ग्रेट सिटी, बहुत बड़े शहर का राजा बना। ही नेम आफ्टर हिज ओन नेम, ओन मीन्स अपना, अपने नाम पे उसने उस शहर का नाम रखा, रोमुलस। रोम उसी से हुआ, रोमुलस, रोम का नाम उसी के नाम पे पड़ा। यस, द रोमुलस फाउंडेड रोम। तो रोम की स्थापना किसने की? वो फाउंडेड रोम, रोमुलस ने रोम की स्थापना की। इट्स वेयर द नेम केम फ्रॉम। अब रोम का नेम कैसे रोम पड़ा, सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। तो रोम के पीछे की क्या कहानी थी, मैंने आपको बता दिया इस पोएम के माध्यम से। Although I have often wondered why it's Rome instead of Rom. वही समझ में नहीं आता है कभी कभी, जो राइटर है, जो पोएट है, पॉल बैरो, वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं, यही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये ROME रोम क्यों है, ROM रोम क्यों नहीं हुआ है। लेकिन क्यों रोम होगा, क्योंकि वो एक गॉड मार्स के जो बेटे थे, ट्विंस रोमुलस, उनमें से उनके नाम पे ये नाम पड़ा है और उन्होंने अपने नाम से उस शहर का नाम रखा रोम। ओके, तो लेकिन जो पोएट है इज लिटिल बिट कन्फ्यूज दैट ऐसा नाम होना चाहिए था, लेकिन ये नेम क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम, आपको समझ में आया है। इफ़ यू एनी टाइप ऑफ क्वेरी, इफ यू एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनी वर्ड, एनी टाइप ऑफ एनी स्ट्रेंजर, यू कैन सेंड मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मैसेज इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज नाउ दिस इज ओवर एंड दिस इज योर होमवर्क। यू हैव द इंग्लिश लिटरेचर कॉपी एंड फर्स्ट चैप्टर यू मस्ट हैव कम्प्लीटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द अदर वर्क यू हैव टू राइट फोर स्टेंजर्स। वन स्टेंजर कंटेंस फोर लाइन, एक स्टेंजर में फोर लाइन्स होती है, तो आपको फोर स्टेंजर्स आपको अपनी लिटरेचर की कॉपी में लिखना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके।